बना बना के डाले हैं, इधर भी डाल रखे हैं, इधर गोश्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी किचन इतनी गंदी पड़ी है, कुछ कहने की ना, इतनी गंदी पड़ी हुई है, ये धोएगी किचन को। इधर गोल गप्पे बनने की तैयारी कर रही है। इधर हमने अपनी प्याज काट दी है, लहसुन छील कर दिया है, जल्दी जल्दी बना, जल्दी जल्दी थोड़ा रख के जल्दी जल्दी ये लगा छीलने में लगा पड़ा है बनाने में, एकदम कितने बढ़िया तरीके से बना रहा है ढक्कन से। ये बेल रही है, बेल बेल की दे रही है, पसीना आ रहा है लौंडिया को हमारी, गर्मी में लगी पड़ी है। आठ बजे इन्होंने ये गोश्त बनाने के लिए रखा है और हम भूख से तेल की सब्जी भी मंगा रखी है हमने। अब ये लड़की हट जाएगी, ये गोल गप्पे बना रही है, सोई उसके बाद ये अपना काम शुरू करेंगे। ये लगी आटा भी ले आएंगे, प्याज भी ले आएंगे, गोश्त भी ले आएंगे, कढ़िया भी रख दी है गैस पर, और सारा सामान इकट्ठा कर रही है। ये गूंद रही है आटा, साथ में चला रही है प्याज। आज बनना है चिकन कोरमा। तेजपात के पत्ते डाल दिए हैं इन्होंने, थोड़ा गरम मसाला डाल रखा है इन्होंने। अब डाल दिया है इन्होंने मुर्गे को, तल रही है, जैसे ये तल जाएगा फिर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट कर देंगे। नमक डालना पड़ेगा इसलिए पहले डाल लिया थोड़ा सा, इससे टेस्ट बनता है और अच्छा टेस्ट भी बनता है, अच्छा भी लगता है। गोटी के अंदर नमक नहीं जाता है और ऐसे डाल के नमक गोटी के अंदर चला जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा मसाला गाढ़ा होगा, जब टेस्ट आएगा इसमें सब कुछ टेस्ट इसी के अंदर है, जो कुछ होता है टेस्ट इसके अंदर है। प्याज गरम पीस लिए अभी हमने, ज़्यादा मेहनत डाल के ठंडी होगी तो इसे पीस लेंगे। अब ये पीसने जा रही है इसको, मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, इतनी मेहनत कर रही है वीडियो बनाने में, गर्मी को भी नहीं दे रही है, तो भाई इन्हें सपोर्ट करें, आप इन्हें सपोर्ट करेंगे जब ये और ज़्यादा मेहनत करेंगे वीडियो बनाने के लिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और वैसे भी जल्दी कढ़िया में मेरा हाथ लग गया। अब जल्दी जल्दी कर रही हैं बनाने के लिए, सभी को भूख लग रही है, मुझे सबसे ज़्यादा भूख लग रही है गाइस, सबसे पहले मैं खाऊंगा रोटी जब बन जाएगी। आटा हमारा तैयार हो चुका है, ये रंग गोश्त भी बनने वाला है, ग्रेवी बन जाए उसके बाद हमारा गोश्त बन जाएगा। तो भाई इन्होंने डाल दिया है चिकन मसाले में, मसाला एकदम बनकर रेडी हो चुका है, ग्रेवी एकदम उबाल के, ये देखिए कितना लजीज लग रहा है। इतना बेहतरीन बना है, तो देख सकते हैं कलर तो बहुत बढ़िया आ रहा है इसका, एकदम दिल खुश कर दिया इन्होंने।
ऐसा लगता है कोई आज ही साफ कर जाएंगे इस कोरमे का। तो इसमें लगा देते हैं पानी, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें, देना पानी जरा थोड़ा सा। इन्होंने ढक दिया है, अब ये बनना है, अब करेंगे ये रोटी बनाने की तैयारी। थोड़ा सा काट लेते हैं जो ऊपर से डालने के लिए, एकदम अच्छा लगेगा। अच्छा